16वीं सदी में एक पुर्तगाली जहाज साउथ ईस्ट एशिया की ओर निकला था और एक छोटे से द्वीप की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध रह गया। शकरकंद के आकार के इस द्वीप को कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। चीन से 180 किलोमीटर पूरब की ओर बसा ये टापू है ताइवान। आसपास ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को अपने आगोश में लिए ताइवान को पहले फॉर्मोसा कहा जाता था, जिसका मतलब है खूबसूरत द्वीप। कुदरती खूबसूरती के चलते दुनिया भर के लोग ताइवान की ओर खिंचे चले आते हैं। ताइवान की टेक्नोलॉजी पर पकड़ ने इसे पूरी दुनिया के एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर हब के तौर पर पहचान दिलाई है। ताइवान में इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, आर्मामेंट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, व्हीकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल जैसी इंडस्ट्रीज भरपूर हैं। अगर बात करें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की और गैजेट दिग्गजों की, तो ताइवान ने विश्व को कुछ उम्दा प्लेयर्स दिए हैं। ASUS, HTC, Giant, Foxconn जैसे ब्रांड्स को पूरी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ ताइवान लगातार लिख रहा है अपनी तरक्की की कहानी। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के लिहाज से हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आज ताइवान अपने ब्रांड्स के साथ पहुंच चुका है। तो बस इसीलिए टेक गुरु ने रुक कर लिया है ताइवान का, जहां पर हम आपको मिलाएंगे इन तमाम बड़ी कंपनियों से और बताएंगे इनके लेटेस्ट क्रिएशंस के बारे में जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाले हैं। चलिए ताइवान स्पेशल के सफर में हम पहुंच गए हैं एसर। जी हाँ, पर्सनल कंप्यूटर्स की बात हो या गेमिंग लैपटॉप्स की बात हो, इन तमाम मामलों में ये ब्रांड बादशाह है। तो प्रीडेटर सीरीज की बात हो या नाइट्रॉन सीरीज की बात हो, मैं आ गई हूँ एसर के हेडक्वार्टर में। और अब भारत के लिए ये क्या खास करने वाले हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, इन सब पर होगी बात। तो चलिए, गेमिंग लैपटॉप्स की बात हो और आपके जहन में एसर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 40 साल से ज्यादा के सफर में ताइवानीज कंपनी एसर की प्रोडक्ट लिस्ट में डेस्कटॉप पीसीज, लैपटॉप पीसीज, टैबलेट्स, सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेज, वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेज शामिल हैं। साथ ही बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाते हुए एसर ने मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइनिंग, मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस किया है। एसर अब क्लाउड सर्विसेज के प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट पर भी जोर दे रहा है। वेरिएबल डिवाइसेज के बढ़ते चलन को देखते हुए एसर इस कैटेगरी में भी इनोवेशन करने की तैयारी में है। एसर की गेमिंग सीरीज प्रीडेटर के नाम से विश्व बाजार में काबिज है और ये है एसर प्रीडेटर हेलियोस सीरीज का नया गेमिंग लैपटॉप। अगस्त में भारत में लॉन्च हुए प्रीडेटर सीरीज के इस नए अवतार एसर प्रीडेटर हेलियोस 300 के स्पेसिफिकेशंस कमाल के हैं। इसमें 7th जनरेशन इंटेल 7700 HU प्रोसेसर है। इसमें 16GB DDR4 रैम, NVIDIA GTX 1060 ग्राफिक्स, 6GB की मेमोरी, 256GB SSD और 1TB 7200 RPM हार्ड ड्राइव दी गई है। 129,999 रुपए में इस तरह के फीचर्स इसे बाकी ब्रांड्स के मुकाबले वैल्यू फॉर मनी तो बनाते ही हैं। लैपटॉप का डिस्प्ले 15.6 इंच का IPS LCD के साथ है। इसमें 1920x2080 का पिक्सल कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसकी स्क्रीन काफी लाइवली दिखाई देती है। स्क्रीन पर मैट फिनिश गेमर्स का डिस्ट्रैक्शन काफी हद तक कम करता है। गेमिंग लैपटॉप में हीटिंग इश्यूज यानी गर्म होने की शिकायत काफी आम है। इसे दूर करने के लिए एसर के इस नए लॉन्च में थर्मल डिजाइन के साथ डुअल एरोब्लेड फैन दिया गया है, जो कि अल्ट्रा थिन मेटल फैन है। ये 35% ज्यादा हीट खींचता है। इसमें नए CPU और गेमिंग के लिए नए ग्राफिक चिप भी लगाए गए हैं। इस तरह के हार्डवेयर के साथ ये लैपटॉप सभी तरह के हैवी ड्यूटी टास्क पूरे कर सकता है, जिनमें रॉ इमेज एडिटिंग भी शामिल है। जहाँ तक बैटरी की बात है तो ये लगातार 6 घंटे तक चल सकती है, लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो बैटरी हर 3 घंटे में चार्ज करनी पड़ेगी। The Nitro 5 is also with the latest technology from the VGA, the graphics and also the new technology inside. एसर के मुताबिक पिछले 5 साल में भारत के ग्राहकों में टेक्नोलॉजी को लेकर समझ और लगाव बढ़ा है, जो एसर की सेल्स डेटा में दिखाई देता है।
हार्डवेयर के मामले में धुरंधर है तो भारत में भी सॉफ्टवेयर स्किल्स की कमी नहीं है और यही बात एडवांटेक के लिए एडवांटेज साबित होती है। जी हाँ, एडवांटेक एक ऐसी कंपनी है जो भारत को देती है हार्डवेयर सॉल्यूशन कंपोनेंट्स। तो चलिए अब हम इसी का जायजा लेते हैं। ताइवान की 32 साल पुरानी कंपनी एडवांटेक कंप्यूटर एम्बेडेड हार्डवेयर सॉल्यूशंस और भारत के लिए खास स्मार्ट सिटी प्रोडक्ट सॉल्यूशंस बनाने के लिए जानी जाती है। कंप्यूटर, मेडिकल, रिटेल, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पूरी दुनिया को मुहैया कराने के बाद एडवांटेक का फोकस अब भारत की तरफ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इंफ्रा, कम्युनिकेशन और मेडिकल सेक्टर के बेहतर विकास के लिए एडवांटेक ने कई हार्डवेयर सॉल्यूशंस निकाले हैं। एडवांटेक भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है। Currently, Advantech already have assembly factory in India, co-work with the India partners over there. So actually, we start from the assembly India, and the build India, and then the made India, and the next stage should be the design India. Actually, is for the smart city. एडवांटेक के हार्डवेयर सॉल्यूशंस की लिस्ट में ग्रीन हाउस सॉल्यूशंस बेहद आकर्षक हैं। अगर आपके पास खेत, कुआं या फार्म हाउस हो तो इसकी टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने ग्रीन हाउस को खूबसूरत के साथ साथ हाईटेक भी बना सकते हैं। तो एडवांटेक कई सारे सेक्टर्स में हार्डवेयर सॉल्यूशन कंपोनेंट्स तो देता है ये, लेकिन अगर भारत के नजरिए से बात करें तो एग्रीकल्चर सॉल्यूशन कंपोनेंट्स काफी अहम है। इतना ही नहीं, अगर आप ग्रीन हाउस का सपना देखते हैं तो उसके लिए भी एडवांटेक के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स हैं। आइए इसका जायजा लेते हैं। इस ग्रीन हाउस में अगर आप देखें तो खेतों में जाने वाले पानी की मॉनिटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल पर खास काम किया जाता है। इस मशीन के जरिए इन सब को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट का सिस्टम भी बनाया गया है। इन सेटअप को आप न सिर्फ अपने खेत बल्कि खूबसूरत फार्म हाउस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सुना आपने, अगर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस भारत की सड़कों पे दौड़ती हुई हर गाड़ी पर आपको मिलने लग जाए तो एक्सीडेंट्स की तादाद कितनी कम हो जाएगी। और ये सपना भी बहुत जल्द पूरा होगा क्योंकि एडवांटेक स्मार्ट सिटी के मिशन को ध्यान में रखते हुए बना रहा है सेफ ड्राइविंग सॉल्यूशंस। ड्राइव सेफ सॉल्यूशन के भीतर ये एडवांटेक का खास स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन है जो 2018 से लागू होगा। एक्सीडेंट्स और ड्राइविंग बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें आप अपने ड्राइवर के ड्राइविंग के दौरान उसके हर मूवमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। The Advantech try to offer is not really say a normal illegal computer. What we try to work with India partner to implement is what we talk about intelligent bus solutions. Intelligent means make the bus to run more efficient, more safe, and more economic. ये ड्राइविंग सॉल्यूशन स्मार्ट सिटी योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटीज में लगाए जाएंगे और उम्मीद है कि 2018 तक हम सेफ ड्राइविंग का ये नमूना भारत की सड़कों पर देख पाएंगे। ताइवान की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर इतनी मजबूत है कि इनके साथ हर कोई कोलैबोरेट करना चाहता है। टेग्रू ताइवान स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारा ये सिलसिला जारी है। बढ़ती और बदलती टेक्नोलॉजी ने हमारी जीवन शैली में काफ़ी तरह के बदलाव ला दिए हैं। स्मार्टफोन्स की बात करें, हम सब अब स्मार्टली जीते हैं। फिटनेस बैंड्स की बात करें, हम सभी जो हैं काफ़ी हद तक फिटनेस फ्रीक भी हो गए हैं। लेकिन जब बात आती है हेल्थ प्रॉब्लम्स की, और ख़ासतौर से वो हेल्थ प्रॉब्लम जिनकी वजह से आपको व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर वहाँ पर भी एक हाई टेक्नोलॉजी या हाई टेक व्हीलचेयर का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर व्हीलचेयर्स में भी इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो जीना कितना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं।
कारमा का ये सफर 1986 में शुरू हुआ और जल्द ही कारमा ने व्हीलचेयर सेगमेंट में टेक्नोलॉजी की मदद से दिव्यांगों की जिंदगी में उम्मीद की एक नई उड़ान भर दी। लाचारी और बेबसी की जगह खुद अपने बल जिंदगी जीने की उम्मीद। कारमा की हाईटेक व्हीलचेयर का मकसद दिव्यांगों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से भरी जिंदगी जीने की ललक पैदा करना था। भारत में कारमा के कदम 2007 में पड़े और कारमा की व्हीलचेयर अब भारतीय बाजार में खूब लोकप्रिय हो चुकी है। भारतीय बाजार की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालने के लिए कारमा ने एक लोकल टीम बनाई है। इस टीम में 1500 डीलर्स हैं। कारमा का अब तक का अनुभव बताता है कि भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इसीलिए यहां उन्हें अपने प्रोडक्ट्स अलग अलग प्राइस रेंज में रखने पड़ते हैं। When people think about wheelchair, they think about only one. That is four wheels and you can drive people around. However, we also see because of the income disparity, we see a lot of other demands. So that's why we want to implement a dealer strategy which we can explore the local need in a way that we can identify and pinpoint the need of the local market. That being said, ranging from a 3,000 rupees wheelchair to 100k. कारमा के प्रोडक्ट्स चार कैटेगरी के लोगों के लिए है, सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग कैटेगरी, पेडियाट्रिक, ओबेसिटी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैटेगरी। जरूरत के हिसाब से उन्हें मॉडिफाई या कस्टमाइज किया जाता है। डिमांड के लिहाज से देखें तो भारत में व्हीलचेयर की सबसे ज्यादा डिमांड बुजुर्गों के बीच है और इसी वजह से कारमा के पूरे कारोबार में भारत का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। सीनियर पीपल, दैट्स द मैसिव द बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑफ द डिमांड एज वी सी इट। एंड हाउएवर दैट इज नॉट द प्लेस वी वांट टू बी इन फॉरएवर डिस्पाइट ऑफ द लार्ज डिमांड। We really want to build up not just our product line, but also the infrastructure in India. कारमा के प्रोडक्ट्स भारत में इनके डीलर्स के जरिए खरीदे जा सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर तमाम जरूरी जानकारियां दी गई हैं। के बाद अब बारी आती है कुछ सैर सपाटे की, घूमने फिरने की। हम वैसे भी ताइवान में तो हैं ही, लेकिन मेरा इशारा है बाइकिंग की ओर। बाइक चलाने के शौकीन हैं और खास तौर से बाइक एक्सेसरीज, और उसमें भी अगर आप लाइट्स के शौकीन हैं तो ताइवान की कंपनी रॉक्सिम के पास में आ गई हूँ, जो बनाती है प्रोफेशनल लाइट्स बाइक्स के लिए और बाइसाइकिल के लिए भी। ये कंपनी फिलहाल भारत में नहीं है, आने की तैयारी में है, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स भारत में आते ही लॉन्च करेगी, आइए देखते हैं। दीवानों के लिए बाइक का क्रेज कुछ नया नहीं है, लेकिन इसमें भी अगर बात करें सेफ्टी की तो बाकी तमाम जरूरी चीजों के मुकाबले सही लाइटिंग सबसे अहम है, और रॉक्सिम इसकी अहमियत को बखूबी समझता है। चाहे आप माउंटेन बाइकर हो या फिर सिटी राइडर, रॉक्सिम के पास आपकी बाइक के लिए सही लाइट सॉल्यूशन मौजूद है। We try to give the rider very safe riding environment, so we enhance the wider light distribution for the forward vision, and also we try to increase more side visibility for the rider so they can see what happened around them. So when they ride a bike, you will feel more safe. माइक और जेरी, ये दो आईटी प्रोफेशनल्स ने नींव रखी रॉक्सिम की। इन्हें जब बाइक एक्सेसरीज के कुछ खास विकल्प बाजार में नहीं दिखे तो इन दोनों ने अपनी टेक्निकल नॉलेज की मदद से स्पेशलाइज्ड लाइट्स बनानी शुरू की। बाइक चलाते वक्त राइडर को वाइड विजन मिले और साथ ही सेफ्टी भी इस बात का खास ख्याल रखा गया है। छोटी लाइट्स एक बाइकर को रात के समय एक ब्रॉड विजन देती हैं, जिसकी मदद से राइडर को काफी आगे तक सड़क साफ दिखाई देती है। फिलहाल यूरोप और यूएस में कारोबार विस्तार के बाद रॉक्सिम का अब फोकस अपने प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में लॉन्च करने पर है।
तो ताइवान एक तरह से टेक्नोलॉजी का हब है और यहाँ पर हर सेगमेंट के लिए एक कंपनी मौजूद है। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इन हाईटेक कंपनियों का ये सफर, ये जायजा जारी है, बने रहें। हमारे गैजेट्स पर देखने की तो हम सबको आदत है ही, लेकिन बहुत जल्दी यही टैग मेड इन इंडिया में भी तब्दील होगा। टेक गुरु ताइवान स्पेशल में मैं आ गई हूँ ऐसी कंपनी के पास जो कि अपने प्रिंटर्स और स्कैनर्स बनाने के लिए काफी मशहूर है। साल 2010 में भारत में इन्होंने एंट्री की थी, तब से लेके अब तक लगभग 10 से 20 प्रोडक्ट्स भारत में लॉन्च कर चुके हैं। आने वाले महीनों में अपनी नई रेंज लेके आने वाले हैं प्रिंटर्स और स्कैनर्स की। लेकिन यहाँ पर जरूरी बात यह है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये बहुत जल्द अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी भारत में शुरू करने वाले हैं। मल्टीफंक्शन प्रिंटर्स और स्कैनर्स के लिए मशहूर एविजन ताइवान की नामी कंपनियों में से एक है। 1991 में शुरू हुई एविजन भारत में भी दस्तक दे चुकी है। दुनिया भर में अपने बढ़ते कारोबार के चलते एविजन ने स्कैनर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी है। इंडिया मार्केट इज अ क्वाइट डिफरेंट मार्केट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज़ अ डिफरेंट कल्चर एंड चैनल एंड स्ट्रेटजी इन इंडिया। सो we are trying to expand the market from low end to mid range scanner and printer. अपने पेपर एयर सीरीज, फ्लाई बाय स्कैनर और मल्टी फंक्शनल प्रिंटर के साथ एविजन भारतीय बाजार में नई इनोवेशन लेकर आया है। एविजन के मुताबिक भारतीय बाजार एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। एक्सचेंज ऑफर में दिलचस्पी को देखते हुए एविजन इसी तरह के प्रोडक्ट्स नए नए ऑफर्स के साथ भारतीय बाजार में लेकर आएगा। This is the two simplex, and we have the built-in duplex, so we can print it into two sides. ताइवान ने अपनी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर में धाक जमाई हुई है। तकरीबन हर सेक्टर में इनके प्रोडक्ट्स हैं और वो काफी मशहूर भी है। लेकिन अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक सेक्टर की, तो इसमें न सिर्फ हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कंपनी MIIS। तो चलिए जायजा लेते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का। मेडिकल डिवाइस सेक्टर में दुनिया भर में अपना नाम कर चुका है MIIS। MIIS यानी मेडिमेजिंग इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस। इसे कोर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। इस ब्रांड के कई प्रोडक्ट्स दुनिया भर के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास हैं। अपने फर्स्ट क्लास डिजिटल और पोर्टेबल डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस के साथ MIIS ने भारत में इस सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, मसलन डिजिटल फंगस्कोप, डिजिटल ऑटोस्कोप और डिजिटल डर्मेटोस्कोप। The most product we would like to apply to India market actually is our handheld digital fundus camera, because we know in India there are over 70 million population who have the diabetic retinopathy problem, and now the DR screening is a very popular trend for the protective medical application. So our device is with the right position and right price which can be applied to the India market. इनकी इकोनॉमी का काफी अहम हिस्सा है और अपने हार्डवेयर इंटेलिजेंस और एक्सीलेंस की वजह से पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो ताइवान की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इंडिया के सॉफ्टवेयर स्किल्स के साथ मिलकर इंडिया को एक नए आयाम तक पहुंचा सकती है। इसी के साथ टेक गुरु ताइवान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें जरूर भेजिएगा। तमाम हैंडल्स आपकी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, स्टे कनेक्टेड।